हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टैंडअप क्लासेज में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में एक बार फिर से हम लोग जो है मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का पार्ट थ्री पढ़ेंगे। जहाँ स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि इसके पार्ट वन और पार्ट टू मैंने आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आज मैं आपको फिर से प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जितना भी क्लास आ रहा है इस सीरीज का, बिल्कुल लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बेहद कंपलसरी है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल स्टैंडअप क्लासेस को, ताकि ऐसे ही क्लासेस में आपको डेली प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो सके। और साथ में अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो @standupclasses लिख के टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं अलग से आपके एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो इसलिए जो है हमें @standupclasses पे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे। सो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ में क्लास के अंत तक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना सके। सो चलिए आइए चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। हाल ही में महिला एकल वर्ग में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? किसने जीता? किकी बर्तेस। ठीक है, याद रखिए कि किकी बर्तेस ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीएट इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? चेतेश्वर पुजारा को। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए क्या है। हाल ही में सीएट इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? चेतेश्वर पुजारा को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीएट वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रोहित शर्मा को। ठीक है, याद कर लीजिए एक बार फिर, क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सीएट वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? जोखा अलार्थी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस राज्य में बोधिसत्वा की 1700 वर्ष पुरानी मूर्ति की खोज की गई है? क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर देख लीजिए। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में बोधिसत्वा की 1700 वर्ष पुरानी मूर्ति की खोज की गई है? तो किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में टीवी रियलिटी शो दी वॉयस का तीसरा सीजन किसने जीता है? तो किसने जीता है? सुमित सैनी ने, जो कि हरियाणा से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? बजरंग पुनिया ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? बजरंग पुनिया ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2019 का खिताब जीता? किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? अनिल कपूर को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में श्योमी यानी जो रेडमी का फोन आता है, रेडमी कंपनी है मोबाइल फोन की, स्मार्टफोन की, उसकी बात कर रहा है। तो हाल ही में भारत के जो है किस शहर में श्योमी इंडिया ने स्मार्टफोन वेंडिंग मशीन MI एक्सप्रेस योसक लॉन्च किया है? तो कहाँ पे हुआ है ये, किस शहर में हुआ है? बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नेपाली ने माउंट एवरेस्ट पर 23वीं बार चढ़ाई पूरी कर विश्व की सबसे ऊंची मोटी सॉरी सब विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? याद रखिएगा, ये सवाल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर सवाल देख लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है ये सवाल। हाल ही में किस नेपाली ने माउंट एवरेस्ट पर 23वीं बार चढ़ाई पूरी कर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया? किसने तोड़ा? कामी रीता शेरपा, जो कि 49 साल के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2019 एशियाई व्यक्तिगत स्क्वास चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब जीता? किसने जीता? जोशना चिनप्पा। हर क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेगा, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर किरण कुमार को फ्रांस ने अपने किस सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो किस सम्मान से सम्मानित किया है? लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, याद रखिएगा, लीजन ऑफ ऑनर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार रुचि सोया के अधिग्रहण के लिए पतंजलि की कितने करोड़ रुपए की बोली को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? 4325। ठीक है, याद रखिए, 4325 करोड़ रुपए की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ने नया निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ने?
नया निर्देशक शिखा वर्मा को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में डिग्री पाने के लिए 10 पेड़ लगाने का कानून निचले सदन में पास हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, अभी ये हाल ही का जो है बात है स्टूडेंट, अभी एक ही महीने का अंदर का बात है, एक से डेढ़ महीने के अंदर की बात है ये। तो क्या है, हाल ही में किस देश में जो है डिग्री पाने के लिए 10 पेड़ लगाने का कानून निचले सदन में पास हुआ है, फिलीपींस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो किसे चुना गया है, सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 विराट कोहली को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीएट इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2019 का, तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया। किसे, जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल, सॉरी एक बार फिर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेंस के पहले प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, मेजर जनरल ए के ढिंगरा को, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है, हाल ही में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन के लिए पहले प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है, मेजर जनरल ए के ढिंगरा को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म के लिए नीना गुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। क्या है, एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस फिल्म के लिए नीना गुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। तो एक मूवी आई थी बधाई हो, बहुत अच्छी मूवी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया मूवी है। तो इनके लिए जो है नीना गुप्ता जी को दिया गया है, क्या दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले तैरते हुए परमाणु ऊर्जा प्लांट का परीक्षण किया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले तैरते हुए परमाणु ऊर्जा प्लांट का परीक्षण किया है, तो किस देश ने किया है, रूस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैप्टन आरोही पंडित अकेले लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए आप लोग क्या है, हाल ही में कैप्टन आरोही पंडित अकेले लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट से किस महासागर को पार करने वाली पहली महिला बनी है। तो किस जो है महासागर को पार किया इन्होंने, आरोही पंडित ने, अटलांटिक महासागर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को पुनः अंतर सरकारी मंच आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक चुना गया है, तो किसे चुना गया है, भारत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारत की अपूर्वी चंदेला ने महिलाओं के कितने मीटर एयर राइफल इवेंट में पहला स्थान हासिल किया है, तो कितने मीटर जो है रैंकिंग में हासिल किया है, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो कौन बनी है, क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए, हाल ही में कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, भावना कंठ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन की कंपनियों को किस सूची में शामिल किया है, तो किस में सूची में शामिल किया है, एंटिटी सूची में, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम को गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, मिताली राज को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित फेलोशिप फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी MRF की फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई है, किसे मिला है, प्रोफेसर गगनदीप कांग को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश ने संयुक्त सीमा अनुक्रिया बल की स्थापना करने का निर्णय लिया है, तो किसने ये निर्णय लिया है, ईरान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने FA कप का खिताब जीता, तो हाल ही में किस टीम ने FA कप का खिताब जीता, मैनचेस्टर सिटी ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में $1,00,000 के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी अमेरिकी कंपनी बनी है, कौन बनी है, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के जरिए किस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया है, तो किस मिसाइल का एयर वर्जन का सफल परीक्षण हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा
ने दुनिया भर में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कितने नए पुरस्कार श्रेणियों की घोषणा की है? कितने नए पुरस्कार श्रेणियों की घोषणा की है फीफा ने? दो, ठीक है। और किस लिए किया है ये? महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल इतिहास में 100 कैच पकड़ने वाले पहले फील्डर बने हैं, तो कौन बने हैं? सुरेश रैना, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और इस साल का जो है आईपीएल कौन जीता था? इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का, तो वो आपकी मुंबई इंडियंस ने जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आईपीएल का हर साल पूछा जाता है कि इस साल का कौन जीता है, ठीक है, तो इस साल का कौन जीता था? मुंबई इंडियंस ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? किसने जीता? डोमिनिक थियम ने, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और स्टूडेंट, ये आईपीएल से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि टीम जो है मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हरा करके ये खिताब जीता है आईपीएल 2019 का? तो किस टीम को हराया था? चेन्नई सुपर किंग्स को, ना, याद रखिएगा, सीएसके को। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2019 विश्व कप के लिए चुने गए 22 मैच अधिकारियों में एकमात्र भारतीय हैं। एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 2019 विश्व कप के लिए चुने गए 22 मैच अधिकारियों में एकमात्र भारतीय हैं, कौन है? अंपायर सुंदरम रवि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारोबार अच्छा न होने के कारण 70 साल बाद मुंबई का कौन सा सिनेमा बंद हो गया है? तो कौन सा सिनेमा बंद हुआ है? चित्रा सिनेमा, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को रैप अराउंड डिस्प्ले का पेटेंट मिला है? तो किस कंपनी को मिला है रैप अराउंड डिस्प्ले का? सैमसंग को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने रूस से रात में लड़ने की क्षमता से लैस कौन से टैंक को खरीदने हेतु समझौता किया है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्पेशली इस क्वेश्चन पे जो है विशेष ध्यान रखिएगा। तो किस टैंक को खरीदा है जो है रात में लड़ने के लिए? तो किस टैंक को जीता है, सॉरी खरीदा है? T90 भीष्म को, ठीक है, याद रखिएगा, T90 भीष्म। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2019 में किस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है? तो वो आपको मालूम ही होगा, भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्विरोध चुना गया है? किसे चुना गया है? अवतार सिंह को, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर धातुओं का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर धातुओं का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ईरान, ठीक है, याद रखिएगा। सो कैसा लगा आज का ये कमेंट, हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताए, सॉरी कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो छोटा सा प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।